हाँ तो बच्चों, जैसे एमपीएस लॉ के अंदर हमने एक लंबे सिलेंडर की फील्ड देखी, सॉलिड सिलेंडर की देखी, सोलेनोइड की देखी, टोराइड की देखी थी, और भी तरह तरह की फील्ड निकाल के देखी। अभी एक इसके अंदर स्पेशल केस आता है जिसमें एक इन्फाइनाइट शीट होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्फाइनाइट शीट में ये जैसे एक मान लीजिए इन्फाइनाइट शीट है, और इसके अंदर जो करंट है ना, वो मान लिया ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस इस तरह से। इन्फाइनाइट शीट का मतलब ये शीट ऐसी है जिसकी लंबाई इन्फाइनाइट आपको दिखी रहेगी, करंट ऐसे जा रहा है इसमें, क्रॉस जो मैंने बनाया ना, ये करंट का डायरेक्शन है। जैसे ये क्रॉस क्रॉस आपको दिख रहा है, तो ये करंट इस तरह से अंदर की तरफ करंट जा रहा है। अब मोटाई शीट की जीरो होती है, शीट का मतलब मोटाई तो नेग्लिजिबल ही होती है। इसके अंदर हम एक टर्म यहां पर डिफाइन करते हैं के। के का मतलब होता है करंट इन यूनिट विड्थ, यूनिट विड्थ मतलब ये जैसे इसकी लंबाई, तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गई थी, ये इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई ये हो गई, अंदर की तरफ चौड़ाई मैंने माना था, तो एक मीटर की चौड़ाई में जितना करंट होगा उसको हम यहां के बोल देते हैं। एक मीटर चौड़ाई में जो करंट होगा उसको के बोल देते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा तो जैसे इस जगह पर देखा जाए, यहां पर, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं मैं तो इस वाले एलिमेंट की वजह से, एक जैसे यहां पे एक एलिमेंट छोटा सा लें और इसकी वजह से देखें तो फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो कुछ इधर आ जाएगा। अगर ऐसा ही एक एलिमेंट यहां लें और उसके कारण देखें तो फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो कुल मिला के जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो कोई भी एक यहां पर मैं पॉइंट चूज करूंगा तो यहां पर पॉइंट जो है उस पर जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसा डायरेक्शन आएगा इस तरह से। ऐसा ही एक पॉइंट मैं यहां लूंगा ना तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगा। देख लें, जैसा इस एलिमेंट की वजह से डीएल क्रॉस आर ऐसे आएगा, इसकी वजह से डीएल क्रॉस आर ऐसे आएगा और फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा। तो ये जो इन्फाइनाइट शीट है, इस शीट के इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा और इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा। हम अब ऐसा करते हैं कि यहां पर एक एम्पीरियन लूप लेते हैं, एक पीले रंग का हम एम्पीरियन लूप यहां पर चूज करते हैं, और इस एम्पीरियन लूप के लिए हम एम्पियर का लॉ अप्लाई करेंगे। ये देखिए, एक मैंने एम्पीरियन लूप ले लिया। एम्पीरियन लूप हमेशा ऐसा लिया जाता है कि या तो फील्ड के डायरेक्शन में हो या फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इस एम्पीरियन लूप का नाम मैं लिखता हूं ए बी सी डी, और ये जो एम्पीरियन लूप लिया है उसको डायरेक्शन मैंने ऐसे असाइन कर दिया, इस तरह से डायरेक्शन असाइन कर दिया। अब मैं इस एम्पीरियन लूप के लिए एम्पियर का लॉ लिखने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसके लिए एम्पियर लॉ अप्लाई करूंगा तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, ये होता है। अब देखिए, मैं यहां से चालू करता हूं, यहां से यहां तक जब मैं जाऊंगा, ए से बी में मैं जाऊंगा, तो जो डीएल वेक्टर है वो इधर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जो डीएल है वो इधर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसा है, वायर के पैरेलल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैंने बताया था ना, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, इस तरफ इधर आएगी। तो ए से बी जाऊंगा तो फील्ड इधर है, सॉरी डीएल वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ए से बी तक का बी डॉट डीएल जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूं ये चौड़ाई इसकी डब्ल्यू है, यहां से यहां तक ये जो चौड़ाई है इसको मैं डब्ल्यू मान दे रहा हूं। बी से सी तक जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और डीएल वेक्टर भी इधर ही है, तो बी डॉट डीएल बी इंटू एल हो जाएगा, और यहां से यहां तक हमने इसको डब्ल्यू माना है तो बी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। सिमिलरली सी से डी तक जो डीएल वेक्टर है वो इधर है और फील्ड वेक्टर इधर है, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, जीरो डिग्री, 90 डिग्री एंगल होगा तो जीरो हो जाएगा। यहां से यहां तक देखें, जिधर फील्ड है उधर ही डीएल है, तो यहां से यहां तक ये बी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इन। अब इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, हमने आपसे बोला था ना कि एक मीटर चौड़ाई का करंट डब्ल्यू है, तो दो मीटर चौड़ाई का, सॉरी एक मीटर चौड़ाई का करंट के है, तो दो मीटर चौड़ाई का करंट टू के होगा, पांच मीटर का फाइव के होगा, तो डब्ल्यू मीटर का क्या होगा, डब्ल्यू के हो जाएगा। तो इस वाले इतने पार्ट से जो करंट जा रहा होगा वो के इंटू डब्ल्यू के बराबर जा रहा होगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट के बाई टू, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो इन्फाइनाइट शीट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से दी जाती है। ये फार्मूला आपको याद भी रखना है कि किसी भी इन्फाइनाइट शीट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट के बाई टू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल इसी पे बना सकते हैं हम लोग, इसी इन्फाइनाइट शीट पे एक छोटा सा सवाल बनता है। ऐसे समझे, दो इन्फाइनाइट शीट है मान लें, दो इन्फाइनाइट शीट है और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है,
और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट बना दे रहा हूं, यहां पर जो भी करंट आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, और इसका जो करंट पर यूनिट विड्थ है वो के है, और इसका जो करंट पर यूनिट विड्थ है वो भी के है। फर्क इतना है कि इस इन्फिनाइट शीट के अंदर जो करंट जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस बनाया है मैंने, यहां पे डॉट बनाया है, यानी कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो एक का जो करंट है वो अंदर की तरफ है, दूसरे का बाहर की तरफ है। अभी इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पे मैं ए ले लेता हूं, और आपसे कोई कहता है कि ए पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो किसी भी इन्फिनाइट शीट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट के बाई टू आती है। फॉर्मूला आपने पास रखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायरेक्शन देखता हूं। देखें, ये एक वायर है, डीएल इधर हो गया, आर इधर हो गया, तो डीएल क्रॉस आर इधर आएगा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, इस दिशा में आएगी। इसके कारण देखें, मैं ये डीएल वेक्टर है, सॉरी हाँ डीएल वेक्टर ये है, डीएल वेक्टर ये है, और आर वेक्टर भी अगर यहां से देखेंगे तो ये डीएल हो जाएगा और आर सॉरी डीएल अंदर की तरफ होगा, ये डीएल अंदर की तरफ हो गया और आर इस पॉइंट की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर इधर ही आ जाएगा, तो इस शीट के कारण भी फील्ड इधर ही आ जाएगी। दोनों जो फील्ड आएगी वो बराबर हो जाएगी म्यू नॉट के बाई टू के, सेम दिया मैंने म्यू नॉट के बाई टू, तो ये म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहां पर फील्ड देखू मैं, तो यहां पर इस वाले वायर के कारण ये डीएल हो गया, आर वेक्टर इधर होगा, तो इसके डीएल क्रॉस आर इधर आ रहा है, और इसकी वजह से आप देखेंगे तो डीएल इधर है, इस तरफ है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस इधर आ रहा है, तो इन दोनों के कारण जो फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस जगह पर बी पॉइंट पर, इस पॉइंट को अगर मैं बी बोलूं, तो बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये जीरो के बराबर जाएगी। उसी तरह से इस पॉइंट को सी ले लिया जाए, तो सी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये भी जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्फिनाइट शीट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकाल सकते हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों। देखिए, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर, कोई भी अगर चलता हुआ चार्ज है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो जब भी कोई चार्ज चलता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। वो फोर्स जो है, वो जो फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज कॉल्ड लॉरेंज लॉ, लॉरेंज के नियम के नाम से जाना जाता है। और ये लॉरेंज का नियम, जब भी कोई कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज चलता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज चल रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसी भी चार्ज को, कोई मूविंग चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड में चला के देखा, और अलग अलग कंडीशन में उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को स्टडी किया। चार्ज की वैल्यू बदल के, चार्ज की वेलोसिटी बदल के, एंगल बदल के, फील्ड बदल के, तरह तरह से इन्होंने एनालाइज किया कि किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये लॉरेंज का जो नियम है, ये नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के बराबर है, और कोई एक चार्ज क्यू जो है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज क्यू जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, और ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर है। चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, जब लॉरेंज ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, प्रयोग करके देखा, तो लॉरेंज को यह पता चला कि यह जो मैग्नेटिक फोर्स होता है यह प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की वैल्यू के। जितना ज्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, यार सीधी सी बात है, चार्ज की वजह से ही तो फोर्स आ रहा है, तो जितना ज्यादा फोर्स चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स आएगा, तो यह फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स आएगा ये वी के प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा, ये जो आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फोर्स। और मजे की बात यह है कि ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के भी, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होने का मतलब रुझान यह है कि कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट भी आना है। मैंने आपको बताया भी था कि मैग्नेटिज्म जो है वो उसका डायरेक्शन का चैप्टर है, दिशा इसमें हर जगह आती है, और उस दिशा में भी क्रॉस प्रोडक्ट की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया, प्रोपोर्शनल टू बी हो गया, प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। जब इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो देखा कि प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो आता है ना वो वन आता है, ये देखा इन्होंने।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई, अब ठीक है 1 आई तो 1 आई, अब क्या करेंगे भाई, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 के बराबर आ गया। और जब इसी को इन्होंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में, तो ये क्यू वी क्रॉस बी के बराबर आ गया। ये लॉरेंज का नियम है। लॉरेंज ने किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो इसके बराबर होता है। अब इस फोर्स को ध्यान से देखें तो इस फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो फोर्स आ रहा है क्यू वी क्रॉस बी वाला, बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी। एक तो सीधे जो सबसे पहली बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि ये जो फोर्स होता है ना, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये जो फोर्स आएगा ये वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, लिखें द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स इज ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ऊपर लिख देता हूं। ये जो फोर्स आया है इसकी पहली एक प्रॉपर्टी तो ये आती है कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो ए क्रॉस बी होता है एफ, जैसे क्यू वी क्रॉस बी है तो वी क्रॉस बी जो एफ है वो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब याद करें आप किसी भी फोर्स का जो वर्क आता था, कभी अगर आपने वर्क पढ़ा होगा और सबने पढ़ा होगा, किसी भी फोर्स का वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी एस, या चलो फोर्स नहीं पावर याद करो, पावर होता है एफ डॉट वी। किसी भी फोर्स का जो पावर आता है वो एफ डॉट वी के बराबर आता है। अब अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर देखें, अभी ये आ रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो पावर जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका पावर जीरो होगा, और पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर को हम पावर कहते हैं। तो अगर पावर जीरो होगा तो इसका मतलब काम ही नहीं हो रहा होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्सेज हमेशा वर्क नहीं करते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्सेज अगर की बात करें, भाई इलेक्ट्रिकल होंगे, ग्रेविटेशनल होंगे, फलाना होंगे, ढिमका होंगे, सब वर्क करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्सेस का जो वर्क होता है वो जीरो के बराबर होता है। कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जानबूझ करके ऐसी सिचुएशन में आपको डालते हैं कि आप ये हां कह दें कि नहीं नहीं मैग्नेटिक फोर्स का वर्क आ रहा है इसके अंदर। ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे जहां पर आपको आप ये बोलने के लिए ऐसे आपको मतलब मजबूर टाइप का किया जाएगा कि भाई मैग्नेटिक फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्सेज वर्क नहीं करते क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क आता है वो हमेशा जीरो आता है। एक मैग्नेटिक फोर्स की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो, और ऑलवेज का मतलब ऑलवेज ही होता है। ऑलवेज का ये मतलब नहीं होता है कि कहीं पे आप मान लें कि नॉन जीरो भी है। मैग्नेटिक फोर्सेस का वर्क डन हमेशा जीरो के बराबर होता है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। एक और मजेदार बात बताएं आपको, मैग्नेटिक फोर्सेस का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। थोड़ा सा याद करें वर्क एनर्जी थ्योरम, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल डब्ल्यू ऑल। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आप याद करें तो अगर सिर्फ किसी बॉडी पे मान लीजिए कि सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस ही लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन जीरो आएगा। वर्क डन जीरो आएगा तो अगर वर्क डन जीरो आ गया तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वही इनिशियल होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं हो रहा है तो पार्टिकल की स्पीड में भी नहीं बदलाव होगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्सेस कभी भी पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल सकते। वेलोसिटी बदल देंगे, डायरेक्शन बदल देंगे, पार्टिकल ऐसे जा रहा है घुमा के ऐसे ऐसे भेज देंगे उसको, लेकिन उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर सिर्फ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स स्पीड बदल देगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स स्पीड बदल देगा, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे हैं तो पार्टिकल की स्पीड में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह भी मजेदार बात है, लिखें
मैग्नेटिक फोर्सेस अलोन कैनॉट मैग्नेटिक फोर्सेस अलोन कैनॉट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फोर्सेज अलोन कैनॉट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्नेटिक फोर्सेज जो होते हैं वो पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसकी स्पीड में बदलाव नहीं कर सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्सेज अलोन कैनॉट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कभी भी स्पीड में बदलाव नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होंगे और भी कई फोर्सेस होंगे तो वो भले ही स्पीड में बदलाव करें, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो कभी भी स्पीड में बदलाव नहीं कर सकते. और अगर कभी भी, देखिए वो यहां से क्लियर भी है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम इसको नोट ही कराएं, लेकिन यहां से देखें कि अगर वी और बी पैरेलल है, यानी वेलोसिटी और फील्ड पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ जाएगा. यानी जब भी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है तो जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो होता है. ठीक है, इस बात को भी नोट कर लेता हूं. इफ वेक्टर वी एंड वेक्टर बी आर पैरेलल देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो. ठीक है, इन सारी बातों में अगर आपको दिमाग में रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैग्नेटिक फोर्सेस वर्क नहीं करते हैं. जो कि वो वर्क नहीं करते हैं तो कभी स्पीड में बदलाव नहीं कर पाएंगे, स्पीड पार्टिकल की हमेशा कांस्टेंट रहेगी. जो भी मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं इनका वर्क डन जो आता है वो जीरो के बराबर आता है, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन के बराबर होगा. लॉरेंज का नियम आपको बताया मैंने कि लॉरेंज का नियम होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन लॉरेंज का नियम अलग है, लॉरेंज फोर्स अलग चीज है. ये अलग चीज बता रहा हूं. लॉरेंज का नियम जो था वो बता रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, और वो था F क्यू वी क्रॉस बी. लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जैसे किसी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है मान लीजिए. तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे मिला के जितना फोर्स लग रहा है उसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं. मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों फोर्सेस को मिला दिया जाए तो उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. तो लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक Sum of all the electromagnetic forces acting on the charge is Lorentz force. Sum of all the electromagnetic forces acting on the charge is Lorentz force. जो चार्ज के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो जोड़ होता है उसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं. ठीक है, और जो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू आती है वो भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो क्यू वेक्टर ई हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा. इसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के डेवलपमेंट में इस लॉरेंज फोर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. खास बात इस लॉरेंज फोर्स की ये होती है कि लॉरेंज फोर्स जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे मान लीजिए आपने वेलोसिटी बदल दी या फ्रेम बदल दिया, देखने का नजरिया बदल दिया, फ्रेम बदल दिया, तो जो वेलोसिटी है जो वी है वो बदल जाएगा. अगर आप ट्रेन से देखेंगे तो किसी चीज की वेलोसिटी अलग होगी, अलग अलग फ्रेम से वेलोसिटी अलग अलग होती है. तो अगर आपने वेलोसिटी बदल दी तो ये वाला फोर्स बदल जाएगा, ये बदल जाएगा. मान लीजिए घट गया तो ये अगर घटेगा ना तो ये उतना ही बढ़ जाएगा, और इन दोनों का जो जोड़ होता है वो कांस्टेंट आता है. मतलब लॉरेंज फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है. अगर आप इसमें चेंज करोगे, फ्रेम बदल करके आपने इसमें चेंज किया तो ये वाला जो फैक्टर है उसमें भी चेंज आ जाएगा. ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होती है. लेकिन ये भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है, और ये अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है कि अगर हम फ्रेम बदल देंगे तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस बदलेंगे, लेकिन जो नेट होगा जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो हम इसे इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, द लॉरेंज फोर्स इज इंडिपेंडेंट
लॉरेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड. लॉरेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड. आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करेंगे, लॉरेंस की फोर्स में कोई बदलाव नहीं आने वाला है. अगर आप फ्रेम बदलेंगे तो ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा. ये बढ़, मान लो बढ़ गया 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन घट जाएगा, या ये 50 न्यूटन घट गया तो ये 50 न्यूटन बढ़ जाएगा, और नेट जो लॉरेंस फोर्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. लॉरेंस फोर्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, वो इंडिपेंडेंट, वो कभी उसमें कभी बदलाव नहीं होगा. चले, तो लॉरेंस फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड. ठीक है, जो भी रेफरेंस फ्रेम आप यूज कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है लॉरेंस फोर्स. अब ये जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल है वो तरह तरह के पाथ एक्वायर करता है. कई बार वो स्ट्रेट लाइन पाथ एक्वायर करता है, कई बार वो सर्कल में जाता है, कई बार वो हेलिक्स में जाता है, कई बार वो साइक्लॉइड में जाता है, और कई बार वो कई अननोन टाइप के कर्व में निकल जाता है जिनको हम जानते ही नहीं है. कई तरह के पाथ यूज करता है. तो अलग अलग तरह की सिचुएशन में, अलग अलग तरह की कंडीशन में जो पाथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो सबसे पहले हम वो कंडीशन देख रहे हैं जिसमें पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. तो ये केस है व्हेन, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, व्हेन वेक्टर वी एंड वेक्टर बी आर पैरेलल. वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है. पैरेलल का मतलब ये है, ऐसे समझिए, और ये हमें मान रहा हूं ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी सारी चीजें इग्नोर कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से. और एक चार्ज मैंने यहां पर ऐसे ले लिया और इस चार्ज को मैंने वी वेलोसिटी दे दी. अब वी और बी पैरेलल है. अगर वी और बी पैरेलल है तो अपने पास जो लॉरेंज फोर्स का रूल होता है एफ, लॉरेंज का जो लॉ है वो क्यू वी क्रॉस बी है. V और B पैरेलल है तो दो वेक्टर्स का, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी. अब फोर्स जीरो के बराबर आ गया तो अगर मान लिया जाए कि फोर्स जीरो के बराबर आ गया तो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा, नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा. तो ये जैसे जा रहा था, फोर्स ही नहीं तो जैसे जा रहा था वैसे चलता चला जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाएगा. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेट फोर्स विल बी जीरो, जीरो एंड पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ. ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा और जो पार्टिकल होगा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने लगेगा, एक सीधी लाइन में ये पार्टिकल जाने लग जाएगा अगर V और B जो है पैरेलल है. और हम ये कंसिडर यहां पर कर रहे हैं कि और कोई फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स और ऐसा कोई फोर्स इसके अंदर एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है और जिसपे सबसे ज्यादा सवाल जो है आईटी में आए हुए हैं वो वाला सवाल है ये. ठीक है, नीट में भी आए हुए से बहुत ज्यादा मिलते जुलते सवाल आए हुए हैं. ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ का केस होता है. तो इसमें मैं केस लिख रहा हूं व्हेन वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी. मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है. हाँ, यहां पर यह जरूर ध्यान रखना कि वेक्टर बी जो है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है. बदलेगी तो पाथ सर्कुलर नहीं रह जाएगा. हम यहां पर मान रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है. अब जैसे मान लीजिए ऐसे है कुछ, ये केस मान लीजिए, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं ये बेसिकली क्या है, ये क्रॉस, जो भी मैंने ये क्रॉस बनाया है, ठीक, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है. मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. और मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कहते हैं, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है, अंदर की तरफ है. और हम यहां से एक पार्टिकल को ऐसे मान लीजिए, एक पार्टिकल है, इसको हमने v वेलोसिटी देके फेंक दिया, चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी देके ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया. अब अगर हम इस चार्ज को v वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर देंगे तो
इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा जरा ध्यान से देखें, हमने अभी अभी आपको बताया था कि जो वेक्टर F होता है, दिस F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। तो ध्यान से देखिए भाई, अब देखिए यहां पे समझिएगा सब लोग, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर की तरफ है, तो अगर वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं मैं, तो V इधर है, V अंदर की तरफ, तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो अब इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल ऐसे सीधे तो जाएगा नहीं, ये फोर्स है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी, इस पार्टिकल को थोड़ा सा घुमाएगा, मतलब घुमा के यहां पहुंचा दिया इसने, यहां पहुंचा दिया, अब यहां पे वेलोसिटी इधर आएगी और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर की तरफ, तो V इधर आ गया, B अभी भी अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B इधर आ जाएगा, तो इसके ऊपर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इस तरफ आ जाएगा। यहां पर जब पार्टिकल है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कुछ ऐसे लग रहा होगा। अब ये पार्टिकल जो है इस फोर्स के कारण थोड़ा और घूमेगा, और अब इसका मोशन आप समझे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं कभी स्पीड में बदलाव नहीं कर सकते, यानी इस पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल रही होगी, एक बात। दूसरी बात, इस पे लगने वाला फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर है, स्पीड पार्टिकल की बदल नहीं लग रही, फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर है और एक प्लेन में पार्टिकल चल रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन के अलावा कोई मोशन हो ही नहीं सकता ना। अगर पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल रही है, प्लेन में मोशन हो रहा है और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये मोशन सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मोशन होगा ना, ये एक सर्कुलर मोशन जो है वो बन जाएगा इस टाइप से, और यहां पर उसका सेंटर आ जाएगा। फिगर थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बात आप समझ गए हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है, देखो मैग्नेटिक फोर्स कभी स्पीड बदल नहीं सकता, ये मैंने आपको प्रूव करा ही दिया है, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड नहीं बदल पाएगा। अब स्पीड बदल नहीं पाया, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, फोर्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, प्लेन में पार्टिकल चल रहा है, तो इस पार्टिकल का पाथ जो है वो सर्कुलर होगा, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बात लिख दे रहा हूं, सिंस स्पीड इज कॉन्स्टेंट, since speed is constant and force is perpendicular to velocity, therefore the path will be circular, therefore the path will be circular, तो पार्टिकल सर्कल में चलेगा। अब सर्कल में चलेगा तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितना एंगल घूमेगा, ठीक है, तरह तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अब मैं उस सर्कल के एनालिसिस करूंगा। ये तो समझ में आ गया कि फोर्स परपेंडिकुलर है, स्पीड कांस्टेंट है, प्लेन में मोशन है, तो सर्कुलर मोशन होगा। अब मैं ये जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है इसके अंदर देखूंगा, तो जो फोर्स लग रहा है, अगर आप देखें तो जो भी सेंटर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये सेंटर के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होता है वो बराबर होता है नेट फोर्स, जो भी सेंटर के डायरेक्शन में होगा वो एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। तो सेंटर के डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है वो एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा इसका। अच्छा, अब फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी इस प्लेन में है और फील्ड अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90, ये हो जाएगा एमवी स्क्वायर अपॉन आर, काटपीट करेंगे, ठीक है, साइन 91 हो गया, एक वी से एक वी चला जाएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एमवी अपॉन क्यू वी, आर की वैल्यू एमवी अपॉन क्यू वी के बराबर होगी। कभी कहीं 11th क्लास में आपने ये बात भी पढ़ी थी, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी यानी पी की जगह हम लिख सकते हैं रूट टू के एम। ये पुरानी बात है जो 11th में पढ़ी थी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, और पी की जगह हम रूट टू के एम भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहां ध्यान से देखें, ये मोमेंटम है, एमवी मोमेंटम है ना, तो अगर ये मोमेंटम है तो इसको हम लोग रूट टू के एम भी लिख सकते हैं, जहां के काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, कई बार ऐसे सवाल बनाते हैं, ऐसे सवाल आए हुए हैं, आईटी में आए हुए हैं, पीएमटी में आए हुए हैं, नीट का एग्जाम जिसको अपन लोग बोलते हैं, कि जो आर है वो एमबी अपॉन क्यूबी है, तो ये रूट टू के एम अपॉन क्यूबी के बराबर होगा, और
अगर मान लेते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर डेल्टा वी ड्रॉप तक एक्सेलेरेट कराया जाता है तो उसके ऊपर जो वर्क होता है वो क्यू डेल्टा वी होता है। कोई भी चार्ज है अगर हम उसको डेल्टा वी ड्रॉप तक एक्सेलेरेट कराते हैं तो उसके ऊपर होने वाला वर्क जो आता है वो क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है। अब जितना वर्क करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो टोटल वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जो वर्क करेंगे वही उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो मान ही रहा हूं मैं, तो इसी क्यू को, इसी के की जगह ऐसा लिखा जा सकता है क्यू डेल्टा वी इंटू एम अपॉन क्यू वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ये ध्यान रहे डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे पार्टिकल को एक्सेलेरेट कराया गया है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से किसी पार्टिकल को जिस पोटेंशियल डिफरेंस तक हम एक्सेलेरेट कराते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी। तो आपको ये सब पता है, एमवी क्यूबी के वगैरह सब आपको पता है, इतना कन्वेंशन याद है। डेल्टा वी मैं लिखूंगा क्योंकि डेल्टा वी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन द पोटेंशियल डिफरेंस अप टू विच चार्ज इज एक्सेलेरेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस अप टू विच चार्ज इज एक्सेलेरेटेड फ्रॉम रेस्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अप टू विच द चार्ज इज एक्सेलेरेटेड फ्रॉम रेस्ट, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने चार्ज को रेस्ट से एक्सेलेरेट कराया है ठीक है उसे हम डेल्टा भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप टू विच चार्ज इज एक्सेलेरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये फॉर्मूले हैं एमवी अपॉन क्यूबी, ये आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका रेडियस इस इक्वेशन से दिया जाता है एमबी अपॉन क्यू बी, ये तो सबको याद करना ही करना है। अब अगर आपने ये याद कर लिया ना एमबी अपॉन क्यू बी तो उससे फिर आप रूट टू के एम अपॉन क्यू बी भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा भी बोली जाती है, तो इस तरह से इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये रेडियस के फार्मूले हो गए, इन तीनों फार्मूले पर सवाल आए हुए हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब कुछ और बातें इसके अंदर पूछी जाती है, एक बात ये पूछी जाती है कि भाई ये जो पार्टिकल चक्कर काट रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सर्कल में घूम रहा है बहुत अच्छी बात है, सर्कल में घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड किसी भी चार्ज पार्टिकल का या किसी भी समय सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड होता है 2πr/v होता है। तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो गया 2π/v और r mv / qb था, इस सर्कल में जो रेडियस था वो एम बी अपॉन क्यू बी था, वी से भी कट जाएगा और टाइम पीरियड का अपने पास एक बढ़िया सा फार्मूला बन जाएगा 2πm/qb। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा, याद रखना है आपको। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो टाइम पीरियड आता है 2πm/qb के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट भी कर लिया करें, जो भी बात होता है ना उसको आप अपनी जो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे ना उन चीजों तो जैसे इसमें मैं बता रहा था ना कि जो टाइम पीरियड है वो 2πm/qb के बराबर है। अब अगर 2πm/qb के बराबर है तो स्पीड ज्यादा हो चाहे कम हो टाइम पीरियड जो है वो वेरी नहीं करता है। क्यों नहीं वेरी करता है, ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए आपने कम स्पीड दी उसको, कम स्पीड दी तो धीरे धीरे ऐसे छोटा सर्कल बने, कम स्पीड कम होगी रेडियस छोटा होगा तो कम स्पीड दी तो ऐसे जाएगा धीरे 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 करके और फिर ऐसे घूम करके वापस आएगा। अब ज्यादा स्पीड दी तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा तो खूब दूर तक जाएगा और घूम तो जल्दी से वापस आ जाएगा। तो V की वैल्यू ज्यादा करोगे तो R भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर जो आ रहा है ना वो तो रेशियो आ रहा है, तो रेशियो के हिसाब से जो टाइम पीरियड आएगा वो 2πm/qb के बराबर जाएगा। कई बार ये भी पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो खैर फ्रीक्वेंसी तो 1/ टाइम पीरियड होता ही है, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये किसके बराबर जाएगी फ्रीक्वेंसी, क्यूबी अपॉन 2πm, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो क्यूबी अपॉन 2πm के बराबर हो जाएगी।